नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है। इस साल यानी कि 2024 अंत तक भारतीय नौसेना को मिलेगा न्यू जंगी जहाज, कांपेगी समुद्री लुटेरा, साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान की रूह। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू अपडेट के तहत कि भारतीय नौसेना अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, साथ ही साथ ही इंडियन आर्मी और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना और भारतीय सेना यहां पर काफ़ी हद तक अपने सैन्य सामंत सैन्य बेड़ा को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर रहे हैं। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के बारे में, साथ ही साथ इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं दुश्मन देश में हड़कंप मच गया है। इस चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो अपडेट ये आ रहा है कि भारतीय नौसेना को इस साल की अंत तक एक नया जंगी जहाज मिलने जा रहा है। इसका आने के बाद समुद्री लुटेरों उस हिसाब से चाइना और पाकिस्तान की हरकतों पर सीधी नज़र रखी जा सकती है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर यहां पर स्ट्रेट या कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। नौसैनिक के लिए ये युद्धपुत रूस में बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने जा रहा हूं। ये जो अपडेट आ रहा है, रूस में भारतीय नौसेना के लिए यहां पर दो न्यू जंगी जहाज़ बन रहा है और ये दोनों तलवार क्लास सेटल्ड टाइटल है। और यदि मैं बात करूं, एक का नाम INS तुलसी है और दूसरे का नाम है INS तमाल। देखिए, इनसे यदि मैं बात करूं, इनमें से तुलसी इस साल की अंत तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा, दूसरा अगले साल तक मिल जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक न्यू वेपन सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहा है भारत, ताकि दुश्मन का धजिया उड़ा सके, उसको नात नाबूद कर सके और उसको ध्वंस विध्वंस कर सके। यह दोनों युद्धपुत रूस के, यदि मैं बात करूं, रूस के अंतरिक द्वीप में अपडेट के साथ साथ काम इसमें चल रहा है, जहां पर स्पैड में बनाना जा रहा है। अब तक तलवार क्लास की 7 युद्धपुत बन चुके हैं, 6 एक्टिव है, 4 न्यू जंगी जहाज बनाने जा रहा है, 2 रूस में और 2 भारत में बनेगी। इन जंगी जहाजों का समुद्र में, यदि मैं बात करूं, डेवलपमेंट 3,850 टन है। इनके लंबाई 409.5 फीट, बीम यदि की बात करेंगे 39.10 फीट और इसका डॉट 13.9 फीट है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें अत्याधुनिक वेपन सिस्टम को भारत आने वाले दिन में इंप्लीमेंट कर रहा है। साथ ही साथ वायुसेना और साथ ही साथ इंडियन नेवी यानी कि नौसेना का ताकत कई गुना तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह जंगी जहाज समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है। अगर इनकी गति को 26 किलोमीटर पर घंटा किया जाएगा तो ये 4,850 किलोमीटर तक जा सकते हैं। 56 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाले ये 2,600 किलोमीटर की रेंज पूरा कर सकते हैं। यह जंगी जहाज 18 अधिकारी को समेत 180 सैनिक को लेकर 30 दिन तक समुद्र में तैनात रह सकते हैं। यानी कि इनके पास जो स्टोरेज रहेगा वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेगा, उस हिसाब से एक बार में वो स्टोरेज फुल करेगा। तो ये अपडेट आ रहा है 30 दिन तक यानी कि एक महीना तक वो पानी में रह सकता है। जहाँ तक हम बात करेंगे सोल्जर की, जितने भी खान पान की सामान हो गया, डेली यूज़ की सामग्री, वेपन सिस्टम, बुलेट्स, एवरीथिंग। सेकेंड अपडेट ये आ रहा है, हथियार का तो पूरा जखीरा इसमें लिया जा सकता है या इसमें आप लोडेड कर सकते हो। इसके बाद इसमें जो अपडेट ये आ रहा है कि राशन और ईंधन का डलवाना पड़ता है। और यह जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वेफायर सिस्टम से लंच है, साथ ही 4 फिट 216 डिकाउन लंचर्स लगा हुआ है। इसमें 26 सेटल्ड 1 मीडियम रेंज की मिसाइल में तैनात किया गया है। 8 अगला यदि मैं बात करूं 8 ईगल 1 ई और 8 वर्टिकल लंच एंटीशिप मिसाइल का वर्टिकल लंच एंटीशिप और लैंड अटैकिंग ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें तैनात आप कर सकते हो। खतरनाक ट्राइपिडो और नेवेल का गन भी इससे लेस हो सकता है। इसका एक 100 मिलीमीटर की A190E नेवेल गन लगा हुआ है। इसके अलावा एक 76 mm की एंटी मिसाइल नेवेल गन लगा हुआ है। 2 AK-630 न्यू वेपन सिस्टम को अपडेट किया गया है, जो कि CIWS के तरफ अपडेट हो रहा है। 2 यहां पर मैं बता दूं और 2 खास्ताना CIWS गन लगा हुआ है। और इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 मिलीमीटर की ट्राइपिडो विद्युत से और एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया जा सकता है। इस जंगी जहाज पर एक कम्बैक्ट 28 या कम्बैक्ट 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर लेस किया जा सकता है। इस हिसाब से इसको अपडेट किया गया रहा है, क्योंकि इसका जो बेस है, इसका जो वेट है, लेंथ है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसी हिसाब से चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है फ्रेंड्स।